तो छत्तीसगढ़ में जो है चुनावी घोषणा की शुरुआत हो चुका है, और ऐसे में आप सभी स्टूडेंट के लिए, छत्तीसगढ़ के लाखों स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे जो है बेहद इंपॉर्टेंट जो है खुशखबरी अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सीजी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट सूचना निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, देखिए इस समय जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव का असर जो है होने वाला है, और इसकी चुनावी घोषणा, चुनावी माहौल का फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अभी छत्तीसगढ़ में कुल टोटल जो है 22,000 वैकेंसी जो है होने वाला है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्ती वैकेंसी जो है जारी होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण टीचर्स की देख सकते हैं कि 12,489 पोस्ट हैं, हॉस्टल वार्डन की 400 पोस्ट हैं, आमीन पटवारी के 288 पोस्ट हैं। वहीं हम बात करें एडीओ भर्ती परीक्षा की, तो एडीओ के कुल टोटल जो है 250 वैकेंसीज हैं, सहकारिता विभाग में 300 वैकेंसीज हैं। तो एक के बाद एक जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, और बहुत से भर्ती परीक्षा और निकाले जाएंगे। साथ ही आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रदेश में 45,000 अनियमित व संविदा कर्मियों को जो है अब भूपेश बघेल सरकार जो है रेगुलर करने की तैयारी में है। इसके साथ ही आप सभी स्टूडेंट को बेरोजगारी भत्ता का लाभ भी मिलने वाला है। जो 12वीं पास स्टूडेंट है उनको 1,000 रुपये मिलेगा, और जिनका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया है उनको जो है 3,000, और जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट है उनको 3,500 रुपये जो है हर महीने जो है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो प्रदेश में 45,000 अनियमित व संविदा कर्मियों को जो है अब रेगुलर करने की तैयारी में है। तो भूपेश सरकार प्रदेश के संविदा और अनियमित यानी कि जो संविदा के तौर पर काम करते हैं उनको कभी भी जॉब से निकाल दिया जाता है, अब उनको रेगुलर किया जाएगा। शासन स्तर पर इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने 30 सितंबर को सभी विभागों को जो है पत्र लिखकर सभी अनियमित और संविदा कर्मचारियों की जो है जानकारी मांगी है। पूरा डेटा मिलने के तुरंत बाद वित्त विभाग आकलन करेगा कि अगर नियमित करने का फैसला लिया जाता है तो इससे शासन स्तर पर कितना वित्तीय भार जो है आएगा। हालांकि जो है सूत्रों के मुताबिक 45,000 कर्मचारियों को अगर नियमित करने का फैसला शासन करती हैं तो एक साल में आपका 700 से 800 करोड़ रुपए साल का ही भार जो है खर्च होने वाला है। तो कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित और संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। सूत्रों के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस साल दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर लेगी और जनवरी फरवरी चुनावी साल में इसकी घोषणा की जा सकती है। हालाँकि आला अफसर अभी इस मामले में खामोश हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है, और ये जो संविदा और अनियमित कर्मचारी हैं उनको निश्चित तौर पर रेगुलर किया जाएगा। सीएम भूपेश 2 बार विधानसभा में दे चुके हैं लिखित जवाब। पहली बार जुलाई 2021 में रिक्त पद के विरुद्ध अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। दूसरी बार जुलाई 2022 में नियमितीकरण के लिए वित्त ने विधि विभाग से जानकारी मांगा। तो प्राथमिक तौर पर यही सही जो है अनिवार्य है। तो अनियमित दैनिक वेतनभोगी संविदा में प्रक्रिया का पालन किया गया हो, उपरोक्त कर्मचारी पद के निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता रखते हैं, जिन पदों पर नियमितीकरण व विभाग की पद संरचना में जो है स्वीकृत हैं, वर्तमान में कार्यरत पद पर क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है, कर्मचारी किस पद पर अभी क्या वेतन, उसी नियमित पद पर क्या वेतन, ये चीज़ें हैं। तो इस मामले में अब तक क्या हुआ, तो कांग्रेस ने चुनाव 2018 में के घोषणा पत्र में राज्य के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का उल्लेख किया था। 11 दिसंबर 2019 को प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में एक समिति के गठन भी 16 सितंबर 2022 को कर्मचारी संगठनों की मांगों पर परीक्षण के लिए प्रमुख सचिव गृह अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी। तो इसके लिए ज़्यादा बजट नहीं लगेगा, ऐसा संगठन का कहना है। तो प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश संरक्षक विजय के मुताबिक प्रदेश में 40 से 45 हज़ार कर्मचारी अनियमित या संविदा के तौर पर जो विभिन्न विभागों में पदस्थ हैं उन्हें नियमित करने में बहुत ज़्यादा बजट नहीं लगेगा। अगर सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती तो अनियमित कर्मचारी 20 नवंबर से फिर हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। उनकी एकमात्र मांग नियमितीकरण है। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बहुत से भर्ती परीक्षाएं जो भी आने वाले समय में जो है होने वाले, इसके साथ जो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए 55,000 और मिडिल स्कूल के लिए 25,000 शिक्षक जो है पात्र हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जब टेट एग्ज़ाम्स हुआ था 18 सितंबर को, तो इसमें इतने स्टूडेंट जो है क्वालिफाई हो पाए हैं आपके टेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये अपडेट्स हैं टीटी एग्ज़ाम्स के लिए। तो देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आवेदन, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन
एक के बाद ये सूचना आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नए MBBS कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। MBBS के जो कॉलेज खुलेंगे, MBBS की नए नए सीटें होंगी, तो इसके साथ जो है आपको बहुत ही अच्छा जो है अवसर मिलेगा, बहुत ही अच्छे नए नए स्किल, नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज हम सभी स्टूडेंट के लिए जो है निकल कर आते जाएंगे। तो जितना हो सके तैयारी करना है, जितना हो सके अच्छे से मेहनत करना है, प्रिपरेशन करना है। वैकेंसीज आने वाला है और ये चुनावी साल है, और इस चुनावी साल का, इस चुनावी माहौल का लाभ, इस चुनावी साल का फ़ायदा हमको जो है लेना है। और अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो पाएगा। अगर तैयारी में अगर कहीं आपने कमी किया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप सोचते रहेंगे, अफसोस करते रहेंगे, लेकिन वैकेंसीज नहीं आने वाला। तो इस चुनावी घोषणा की शुरुआत हो चुका है, और भूपेश बघेल सरकार के द्वारा एक के बाद एक जो है नई नई योजनाएं, नई नई योजनाएं जो है पेशकश किए जा रहे हैं, और इसका सीधा लाभ स्टूडेंट को ही मिलने वाला है। तो आगामी महीनों में एक के बाद एक जो है, चाहे वो CG व्यापम के द्वारा हो, CGPSC के द्वारा हो, SSC के द्वारा हो, बैंक के द्वारा हो, या फिर आपके रेलवे के द्वारा हो, सभी अलग अलग विभागों में जो छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती हैं, उन सभी के द्वारा एक के बाद एक जो है नई नई नोटिफिकेशन एक के बाद एक जो है निकाले जाएंगे, और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आप अच्छे से, सभी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, देन आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। तो एक के बाद एक आप सभी स्टूडेंट के लिए नई नई अपडेट्स, नई नई सूचना निकल कर आ रहे हैं। बस तैयारी करो, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल वो शुरू हो चुका है, और जब भी कोई नई अपडेट्स आएगा अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, आप सभी स्टूडेंट को मैं अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में जो है अवश्य रूप से बता दूंगा। बस इसी तरह से चैनल्स पर नए नए वीडियोस हम सभी स्टूडेंट को मिलते रहेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो जो है कैसे लगता है। तो इसी तरह से नई नई वीडियोस मिलते रहेंगे। प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है नई भर्ती, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो है होने वाला। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि आप सभी स्टूडेंट के लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस हम सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ सकूँ। तो अपना ख्याल रखिए, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, नए नए वैकेंसीज आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर जो है आने वाला है।